मैया कन्हैया को लेकर गई हैं, नामकरण को समय आयो। रोहिणी बोली, ये हमारे मथुरा के पंडित जी ऐसे हैं, बिना देखे सब कुछ बता देते हैं। यशोदा मैया बोली, अच्छा आज तुम्हारे पंडित जी की परीक्षा लेंगे। यशोदा मैया ने अपना बेटा रोहिणी को दियो, रोहिणी को बेटा स्वयं ले लियो, चादर में छुपा छुपा कर बैठ गई। देखे पंडित जी क्या जानते हैं, लोगों की आदत होती है, कोई पंडित जी दिख जाए चलो पूछते हैं इनसे, मालूम करें कुछ जानते हैं कि नहीं जानते। और ये आदत आज से ही नहीं है, हमेशा से। मैया बोली, चलो देखते हैं तुम्हारे पंडित जी क्या जानते हैं। अपना बेटा रोहिणी को, रोहिणी को लाला स्वयं लेके गोदी में चादर में छुपा के बैठ गए। पूजन कराने के बाद गर्गाचार्य जी नंद बाबा से बोले, नंद बाबा यशोदा रानी की गोदी में जो बेटा है ये रोहिणी को है, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणई आख्यास्ते राम इति ये कहीं से आया, इसलिए इसका नाम संकर्षण है, या मैं बल बहुत या से या को नाम बलराम है, और रोहिणी की गोदी में जो बेटा है वो आपका बेटा है। यानी युग युग में बड़े बड़े रंग पलटे, सत्ययुग में सफेद था, त्रेता में लाल था, द्वापर में पीला था, कलयुग में काला होएगा, इसलिए इसको नाम कृष्ण है। नंद बाबा आपने काले काले शालिग्राम की बड़े प्रेम से पूजा करी है ना, वो शालिग्राम जी आपके यहाँ बेटा बन के कन्हैया बन के आए हैं, वो नारायण आपके यहाँ बेटा बन के आए हैं, जो भी आपके बेटा से प्रेम करेगो बाकी सब संकट दूर हो जाएंगे। तस्मात् नंदात्मजो यमते नारायण समो गुणई श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाय। नंद बाबा बोले, गुरुजी क्यों मेरे बेटा को भगवान बता रहे हो? अरे आपको दक्षिणा ज्यादा चाहिए तो वैसे ही मांगिए। नहीं नहीं नंद राय जी, आपके बेटा के जन्म पत्री में ग्रह ऐसे पड़े हैं। अच्छा जन्म पत्री बन गई क्या? हाँ, जितने समय में खीर बनी मैंने जन्मांग बना लियो। तो गुरुजी जरा बांच के सुनाओ मेरे बेटा के ग्रह कैसे हैं। गर्गाचार्य जी महाराज नाच नाच के, गाय गाय के और जन्म पत्र का बांच बांच के सुना रहे हैं। नंद जो मेरे मन आनंद भयो संबस्वर ईश्वर को भादो नाम जो कृष्ण धर्यो है। रोहिणी बुध आठे अंधियारी हर्षण योग पर्यो है। ब्रस है लग्न उच्च को उड़पति तन को अति सुखकारी दल चतुरंग चले संग आगे है रस बिहारी। नंद जू मेरे मन आ नंद भयो है। चौथी रास सिंह के दिन मन महिमंडल को जीते कर है नास कंस मामा को निश्चय कछु दिन पीछे। पंचम बुद कन्या के सोवित पुत्र बढ़ेंगे सोई। बाबा हाँ गुरु जी, पांचवे घर में बुद्ध बैठा है। गुरु जी आपको क्या मतलब है? बोले बाबा बेटा बेटी बहुत है। अच्छा बोले वृंदावन बिहारी कोई बात नहीं है, बेटा बेटी बहुत होंगे तो बहुत गाय हैं, बहुत बड़ा मकान है और बहुत भोजन है, सब व्यवस्था है। छठे शुक्र तुला के संयुत शत्रु बचे न कोई। ऊंच नीच युवती बहु ब्याह है सप्तम राहु पर्यो। बाबा सातवें घर में राहु है, गुरु जी आपको मतलब क्या है? बोले बाबा विवाह बहुत करेगो। अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं। केतु मुहूर्त में श्याम पर
करण चोरी में चित्त धर्यो है। बाबा एक आदत खराब है, गुरु जी वो क्या है, बोले केतु गड़बड़ है चोरी करेगा। अच्छा मेरी सब अधिकारियों से जान पहचान है, कोई बात नहीं। भाग्य भवन में मकर मही सुत अति ऐश्वर्य बढ़े दो, दुज गुरुजन को भक्त होए के कामिनी चित्त हरे गो। नवनित जाके नाभि बसत है मीन बृहस्पति केरी, पृथ्वी भार उतारे निश्चय तुम जानो यह मेरी। नंद जी मेरे मन आनंद भयो है, मेरे मन आनंद भयो है। बड़े प्रेम से गर्गाचार्य जी ने कृष्ण नाम रखा है। कृष्ण कृष्ण करते हुए मथुरा गए हैं। भगवान ने विचार किया हमारे तो भाग्य में चोरी लिखी है, तो चलो माखन घर में चोरी करने को गए। वो अंधेरे कमरा में मक्खन रखो जाता है, 9 लाख गायों को माखन रखने के लिए बहुत बड़ा कक्ष है, और वह कक्ष में छत के सारे के लिए बड़े बड़े खंभ थे, स्तंभ पिलर्स, और उनमें सुंदरता के लिए बड़े बड़े दर्पण लगे थे शीशे, और इस कमरे में अंधेरा रखे थे। अंधेरे में माखन रखने से खराब नहीं, दवाइयों की शीशियों पे लिखो रहे आजकल डार्क एंड ड्राई प्लेस, अंधेरे में रखो खराब नहीं, तो माखन अंधेरे में रखो। आज अंधेरे कमरा में कन्हैया ने प्रवेश कियो, द्वार बंद कियो, मक्खन घर में अंधेरे में दर्पण में अपनी परछाई दिख गई, न तो खंब दिखा न दर्पण, अपनी छाया दिख गई। अपनी छाया को देख कर समझने लगे यहाँ तो पहले से कोई चोर है, अपनी परछाई से दर्पण में बात करने लगे, भैया तुम चोर हो, तुम भी चोर हम भी चोर, चोर चोर मौसेरे भाई, तुम बोलते क्यों नहीं हो। अच्छा चोरी करने वाले को बोलना नहीं चाहिए, मैं भी नयो नयो हूं ना, अभ्यास हो जाएगा, मैं भी मौनी बाबा हो जाऊंगा। तो आज हमारे घर में हमसे माखन खाओ, एक माखन की मटकी लेके उसमें से माखन की लौनी लेके आगे को हाथ बढ़ायो, दर्पण में अपनो ही हाथ आगे को देख के माखन छोड़ दिया। अब कोई होता तो लेता, लौनी लद करके नीचे गिर गई। अच्छा भैया गुस्सा क्यों होता है, थोड़ा माखन नहीं पूरी मटकी चाहिए, ले पूरी मटकी। आगे को मटकी बढ़ाई, परछाई में अपने ही हाथ आगे को देखे, अंधेरे में अंदाज से काम चले। भगवान ने सोची मटकी पकड़ ली, प्रभु ने जैसे ही मटकी छोड़ी कोई होता तो लेता, मटकी गिरी है आग तड़ाक करके, और जैसे ही मटकी गिरी और मटकी के फूटने की आवाज मैया ने सुनी, यशोदा मैया दौड़ के आई है, कन्हैया को कान पकड़ के ले गई, क्यों रे माखन घर में क्यों आयो। मैया आपने ये सोने के कंगन पहना दिए थे ना, ये गर्म हो गए थे, पानी में ठंडे किए ठंडे नहीं हुए, तो माखन में डुबा कर ठंडे कर रहे हो, क्यों झूठ बोले है। तेरे लिए कितने बढ़िया बढ़िया लड्डू मठरी 56 भोग बनाती हूँ, वो बंदर और मोर को पक्षियों को खिला दे रहे, और चोरी करके माखन खा गए। कन्हैया की आदत थी बढ़िया बढ़िया 56 भोग बंदरों को खिलाते थे, संतों की भी यही परंपरा थी। स्वामी हरदास जी महाराज निधवन में बिहारी जी का 56 भोग करते थे, और 56 भोग पूरा का पूरा बंदर और पक्षियों को डाल देते। उत्तम भोग लगाया मोर मरे कटते ही पोखे, पुराने समय में संत लोग 56 भोग बंदर और पक्षियों को खिलाते थे। 56 भोग आजकल भी होते हैं, लेकिन अब परंपरा बदल गई है। क्या बोले, 56 भोग में से थोड़ा सा 56 भोग कराने वाले ले जाते हैं, थोड़ा सा उनके जो तीर्थ पुरोहित होते हैं वो ले लेते हैं, थोड़ा सा भंडारा हो जाता है, 3 जगह बट जाता है। बंदर बेचारे छत पर बैठे देखते रहते हैं, हमें तो एक लड़ुआ बनाए दियो, इसलिए फिर बंदर चश्मा उतार ले जाते हैं। बिहारी जी को 56 भोग करायो, हमें कुछ नहीं दिया, लाओ तुम्हारा चश्मा उतार लेते हैं। हमारे वृंदावन के बंदर बड़े चतुर। कन्हैया कह रहे मैया मैं माखन अच्छा लगे,
मैयारी मोहे माखन भावे, मैयारी मोहे माखन भावे। मैया और बेटा अंदर के आंगन में बातचीत कर रहे थे और बाहर के चौक में एक गरीब ग्वालिन किसी काम से यशोदा मैया के पास आई थी। ये गोपी मैया बेटा की बात सुन रही है। ब्रज युवती एक पाछे ठाड़ी सुनत श्याम की बात, मन मन कहत कबहू अपने घर देखो माखन का। ये गोपी कह रही है, प्रभु एक दिन हमारे यहाँ भी आओ ना,